पुष्पा टू ट्रेलर लॉन्च के वक्त पटना के गांधी मैदान में डॉक्टर योगेश लखानी की कंपनी ब्राउट आउटडोर मीडिया ने बिखेरी अपनी चमक। जी हां, पुष्पा टू द रूल के ट्रेलर लॉन्च के बाद जब स्टेज पर ब्राइट आउटडोर के कर्ता दाता डॉक्टर योगेश लखानी को अभिनेता व आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन द्वारा पुष्पगुच्छ देने के लिए बुलाया गया तो योगेश लखानी से परिचित लोग आश्चर्यचकित रह गए। वैसे एंकर ने वहाँ मौजूद पूरी भीड़ से डॉक्टर योगेश लखानी और उनकी कंपनी का विस्तृत परिचय कराया। बॉलीवुड में फिल्मों के प्रचार प्रसार में कई कंपनियां और कई पीआर कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन जो स्थान डॉक्टर योगेश लखानी के ब्राइट आउटडोर कंपनी का है वह किसी का नहीं है। डॉक्टर योगेश लखानी की ब्राइट आउटडोर कंपनी का फिल्मों के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे स्टेशन हो या सड़क या कोई चौराहा, जगह जगह पर फिल्मों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए नजर आते रहते हैं। यह सारा काम डॉक्टर योगेश लखानी की अपनी कंपनी ब्राइट आउटडोर ही करती है। इस कंपनी को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अब तो योगेश लखानी की कंपनी ब्राइट आउटडोर सेबी के कानूनों के तहत शेयर बाजार में लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गई है। मुंबई में लगभग हर फिल्म इवेंट में सदा मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर योगेश लखानी की उपस्थिति अनिवार्य शर्त सी बन गई चुकी है। डॉक्टर योगेश लखानी अति विनम्र इंसान हैं। उनकी सादगी देख अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह कितने बड़े उद्योगपति हैं। बॉलीवुड का हर फिल्मकार हर कलाकार उनका दीवाना है। वह हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। पटना के गांधी मैदान में लोगों से मिले प्यार को देखकर सीधे साधे इंसान डॉक्टर योगेश लखानी ने कहा, पटना के गांधी मैदान में आयोजित पुष्पा टू द रूल के ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जिसे भारतीय सिनेमा में अब तक के सबसे बड़े भव्य ट्रेलर लॉन्च के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। बहुप्रतीक्षित ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा टू द रूल के आधिकारिक आउटडोर मीडिया पार्टनर के रूप में लाखों दर्शकों की भीड़ के सामने आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन द्वारा सम्मानित किया जाना बेहद गर्व की बात है।